नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे ऑनर ने एक डिवाइस लॉन्च किया है, ऑनर 10 लाइट। हाल ही में ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च हो गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं इस फोन को लेने की, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये फोन तो काफी बेहतर है ही, बट इस फोन में आपको काफी मेजर प्रॉब्लम भी दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेजर प्रॉब्लम है शायद से आपकी प्रायोरिटी हो सकती थी, जिसमें कि इसका कैमरा, जिसमें कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी बैटरी लाइफ, इसका परफॉर्मेंस। अगर ये फीचर आपकी प्रायोरिटी होते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इन्हीं फीचर में आपको जो है वो कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई देगी। तो उन सभी प्रॉब्लम के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आप लेने जा रहे हो ऑनर 10 लाइट, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनर 10 लाइट के प्रॉब्लम की। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आता है जो कि इस फोन की बैटरी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये फोन आता है 14,000 की प्राइस रेंज में, एंड इस फोन में आपको देखने को मिलती है सिर्फ 3400 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बैटरी इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। ऑनर का खुद का ही 8X में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। शाओमी, एसुस M2, इन सभी फोन में जो आपको इससे ज्यादा, मतलब कि 4000-5000 mAh की जो है वो बैटरी देखने को मिलती है। तो इस फोन में आपको काफी कम बैटरी देखने को मिलती है। ये बैटरी कम से कम जो है वो एक दिन तक, एंड ज्यादा से ज्यादा भी एक दिन तक ही चलेगी, उससे ज्यादा ये बैटरी चलेगी नहीं। एंड दोस्तों, इस फोन में आपको नहीं देखने को मिलता USB Type-C, इसका मतलब इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों, यहाँ पे इस फोन की बैटरी भी कम है, एंड यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट नहीं मिलता, USB Type-C भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो है ये काफी बड़ा इशू है बैटरी के मामले में। सो अगर आपकी प्रायोरिटी है बैटरी, अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, या फिर आप ज्यादा गेमिंग करते हो, या फिर ज्यादा डिवाइस यूज करते हो, तो आपको बहुत बार, मतलब कि दिन में 2 बार ये फोन जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम दिखाई दिया। अब आते इस फोन के सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि इस फोन की बिल्ड क्वालिटी में। दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, ये फोन 14,000 की प्राइस रेंज में आता है, एंड इसी प्राइस रेंज में आपको काफी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के मोबाइल देखने मिलते हैं। इस फोन में जो बिल्ड क्वालिटी है वो है पॉलीकार्बोनेट की बॉडी। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि प्लास्टिक की बॉडी इस फोन में जो है वो यूज की है। तो अगर आपका गलती से थोड़ा सा ऊपर, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर से अगर आपका फोन एजेस पे, मतलब कि कॉर्नर पे गिरता है, तो यहाँ पे इसकी जो है वो पैनल टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड दोस्तों, यहाँ पे इसी प्राइस सेगमेंट में जो आपको मेटल प्लस ग्लास की भी बॉडी देखने को मिलती है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद से इसमें आपको मेटल की बॉडी देनी चाहिए थी, बट ये फोन दिखने में काफी बेहतर, बट इसमें जो मटेरियल यूज किया है वो है पॉलीकार्बोनेट, मतलब कि प्लास्टिक का बॉडी का। तो यहां पे तो ये मुझे प्रॉब्लम लगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ, जो कि इस फोन की डिस्प्ले में। दोस्तों जी हां दोस्तों, इस फोन में तो आपको काफी बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। बट दोस्तों, ये फोन आता है 14-15 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में। तो दोस्तों, इसकी साइज जो है वो 6.2 इंचेस, एंड इसी प्राइस सेगमेंट में आपको काफी बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब कि 6.5 इंच के भी डिस्प्ले देखने मिलते हैं। तो अगर आप ज्यादा गेमिंग या फिर ज्यादा मूवी देखते हो फोन पे, तो यहाँ पे जो आपको दिक्कत आएगी, मतलब कि थोड़ा सा छोटा स्क्रीन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफी बड़े डिस्प्ले भी दूसरे कंपनी के मोबाइल में देखने को मिलेंगे, उनके खुद के ही ऑनर 8X में आपको जो है वो बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो ये भी मुझे प्रॉब्लम लगा। अगले प्रॉब्लम की बात करें तो वो प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है सिम ट्रे में। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको देखने को मिलेगा हाइब्रिड स्लिम स्लॉट, इसका मतलब आप तो यूज कर सकते हो या 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड एंड 1 मेमोरी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 2 नंबर परमानेंट है, मतलब आप 2 सिम कार्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको जो है वो मेमोरी कार्ड डालने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें एक तो 2 नंबर या फिर 1 नंबर एंड 1 मेमोरी कार्ड जो है वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मुझे काफी मेजर इशू लगा, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे पर्सनली दो नंबर है जो मैं परमानेंटली यूज करता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको दिक्कत आएगी, अगर आपका स्टोरेज फुल होता है तो आपको जो है वो यहाँ पे मेमोरी कार्ड डालने से पहले सोचना पड़ेगा। तो ये भी काफी बड़ा इशू आपको दिखाई देता है। एंड यहाँ पे हमारा आखिरी प्रॉब्लम है, जो कि इस फोन का स्टोरेज। या दोस्तों, ये फोन जो है वो 4 GB RAM 64 GB के स्टोरेज के साथ आता है, मतलब कि इसका वेरियंट है, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता 3 GB के रैम वाला वेरियंट। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर इस फोन में अगर आपको 3 GB का वेरियंट देखने को मिलता है, एंड इस फोन की प्राइस लगभग 11,000 के आसपास होती, तो इतने जो फीचर इस फोन
फोन में वो आपको काफ़ी बेहतरीन डील प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे आपको 4 GB का वारंट देखने मिलता है, इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, 14,000 इसकी जो है लगभग प्राइस है। तो यहाँ पे ये भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 3 GB का वारंट नहीं दिखाई देता। सो दोस्तों ये थे ऐसे 5 मेजर प्रॉब्लम जो कि आपको सोचने पड़ेंगे अगर आप बाय करने जा रहे हो ऑनर 10 लाइट। अगर ये प्रॉब्लम आपकी प्रायोरिटी होते तो आप जो है वो इस डिवाइस के बारे में ना सोच के दूसरे डिवाइस के बारे में भी सोच सकते हैं। सो दोस्तों अब आप मुझे बताइए आपकी ये जो प्रॉब्लम ये आपकी प्रायोरिटी है या नहीं, कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके ये डिवाइस बाय करना चाहोगे या फिर नहीं, वो भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो YouTube चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।